नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल में जिसका नाम है WWE हिंदी गॉसिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं रोमन रेंस को बिल्कुल भी हेट नहीं करता, लेकिन अमेरिकन्स उन्हें क्यों इतना हेट करते हैं ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए उनके कारणों को पता लगाते हैं। नंबर 5 का आता है दोस्तों, रोमन रेंस बॉर्न इन रॉन्ग एरा। तो बात की जाए रोमन रेंज की एरा की दोस्तों, तो ये एरा बिल्कुल घटिया एरा है। आज से 5 या 6 साल पहले दोस्तों WWE पे बटिस्टा, जॉन सिना और बॉबी लैशली जैसे बॉडी बिल्डर टाइप बंदों का राज होता था, लेकिन आज की जो ऑडियंस है दोस्तों वो डेनियल ब्रायन, एज स्टाइल और सेथ रॉलिन जैसे नॉन मस्कुलर रेसलर्स को देखना पसंद करती है। नंबर 4 पर चलते हैं। नंबर 4 पर आता है दोस्तों रॉयल रंबल 2015। तो दोस्तों यह रॉयल रंबल अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे घटिया रॉयल रंबल थी, और अमेरिकन्स को ये घटिया क्यों लगी दोस्तों, क्योंकि इस रॉयल रंबल में स्टेडियम में सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेनियल ओब्रायन लास्ट एंट्रेंस होंगे, लेकिन आते हैं रोमन रेंस, और जो कि ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। नंबर 3 पे आता है बैड बुकिंग। तो ये मैं भी कहूंगा रोमन रेंस की बुकिंग बहुत बैड है दोस्तों। उन्हें काफी टैलेंटेड रेसलर्स के साथ बुक किया जा रहा है जिन्हें ऑडियंस काफी पसंद करती है। उदाहरण के तौर पे दोस्तों, पिछले साल की रेसलमेनिया में अंडरटेकर का उनको हराना किसी को भी पसंद नहीं आया है। नंबर 2 पे आता है दोस्तों लिमिटेड मूव्स। तो बात की जाए रोमन रेंस की मूव्स की, रोमन रेंस के पास काफी कम मूव्स है दोस्तों, और अमेरिकन्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वे कहते हैं कि रोमन रेंस के पास सिर्फ 3 मूव है, और वो है सुपरमैन पंच, समोन ड्रॉप और स्पीयर। नंबर 1 पर चलते हैं दोस्तों। नंबर 1 पे जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है कि ऑडियंस उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो है बैड माइक स्किल्स। तो रोमन रेंस के जो माइक स्किल है दोस्तों वो काफी अच्छे नहीं है, और हमारे इंडिया में दोस्तों हम फाइट को प्राथमिकता जरूर देते हो, लेकिन अमेरिकन्स अच्छा बोलने वाले रेसलर्स को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के तौर पर क्रिस जेरिको और दी रॉक को ऑडियंस बहुत पसंद करती है।